नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जो बात करेंगे वे राजस्थान का कला एवं संस्कृति का टॉपिक है, राजस्थान के प्रमुख लोक वाद्य यंत्र। दोस्तों एग्जाम कोई भी हो, लोक वाद्य यंत्र से 100% सवाल आता है, और चाहे ये आरएएस का एग्जाम हो, चाहे आपके कांस्टेबल का हो, पटवार का हो, एक अंक आपको ये टॉपिक पक्का दे देता है। सवाल किस तरीके से आता है उस पर मैं चर्चा कर लेता हूं आपसे। देखिए हमने क्या किया है कि जो लोक वाद्य यंत्र है उनको हमने चार श्रेणियों में बांटा है। कितनी श्रेणी मित्रों? चार श्रेणियों में बांटा है। नंबर एक घन वाद्य यंत्र। घन मतलब धातु, वे वाद्य यंत्र जो धातु से बनते हैं उन्हें हम घन वाद्य यंत्र कहते हैं। जैसे मंदिर में जाते हैं हम लोग, घंटा होता है या मंजीरा होता है या घुंघरू होता है, ये सब क्या है? ये घन वाद्य यंत्र है क्योंकि ये धातु से बने हुए हैं। दूसरी श्रेणी हमारे पास में सुशिर वाद्य यंत्र। दोस्तों सुशिर वाद्य यंत्र उन्हें कहते हैं जिनमें फूंक मारने से आवाज निकलती हो। किससे? फूंक मारने से आवाज निकलती हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? सुशिर वाद्य यंत्र कहते हैं। और तीसरा पॉइंट हमारे पास में तत् वाद्य यंत्र, यानी वे वाद्य यंत्र जो किससे बनते हैं? तार से बनते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तत् वाद्य यंत्र। और नंबर चार अवनद। अवनद का मतलब वे वाद्य यंत्र जो चमड़े से या किसी जानवर की खाल से बनते हो, उन्हें क्या कहते हैं? अवनद। तो आपने देखा है कि हमने जो वाद्य यंत्र है उन वाद्य यंत्रों को कितनी श्रेणी बांटा है? चार श्रेणियों में। नंबर एक घन धातु से बनेंगे, नंबर दो सुशीर फूंक से, तत् मतलब तार से, और अवनद मतलब चमड़ा या खाल से। इन चारों श्रेणियों में हमें जो वाद्य यंत्र पढ़ेंगे उनको इनमें सेट करना है, क्योंकि आपने देखा होगा चाहे पटवार का एग्जाम देख लो, कोई भी पुराना एग्जाम, कोई भी पुराने पेपर आपके पास हो, 99% सवाल एक ही बनता है, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र है जो सुशिर नहीं है या तत् नहीं है, या चार वाद्य यंत्र देके उनका मिलान करवाया जाता है, उन्हें सम्मिलित करवाया जाता है। तो दोस्तों यदि हमने ये याद कर लिया कि कौन सा वाद्य यंत्र किस श्रेणी का है तो हमारा एक सवाल पक्का हो जाएगा। और आप देख रहे हो संख्या काफी लिखी हुई है, शायद आप सोच रहे होंगे सर इन्हें हम याद कैसे करेंगे। मित्रों बहुत आसानी से याद करवा दूंगा, घड़ी लगा लेना, 10 या 15 मिनट में ये टोटल के टोटल वाद्य यंत्र आपके याद हो जाएंगे। समझ में आ गया ना? इनकी डिटेल आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है बेटा, बिल्कुल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, डिटेल से बहुत कम सवाल आता है। आपने देखा होगा एक सवाल तो परमानेंट है, कौन सा वाद्य यंत्र है जो आधे कटे हुए नारियल से बनाया जाता है। बाकी आप इनको रट लेना, आपका सवाल पक्का सही हो जाएगा। देखिए मेरे साथ जुड़िए आप लोग। हमने देखा है कि सबसे पहले हम सुशिर की बात करते हैं, क्योंकि संख्या हमारे पास में ज्यादा कहां है? सुशिर में। एक कहानी समझानी है, बस उस कहानी को समझना है। देखिए क्या हुआ कि एक लड़की है, उसका नाम पावरी है और दूसरे का नाम तारपी है, और वे क्या है? काणी। यानी लड़की का नाम क्या है? पावरी, तारपी और क्या है? काणी। काणी बोली, काणी एक दिन बोली, किससे बोली? कर्णा नड़ तू बांकिया है। कौन बोल रही है? पावरी। फिर से देखिए आप लोग, पावरी तारपी काणी बोली कर्णा नड़ तू बांकिया है, यानी मैं तो काणी हूं और तू क्या है? बांका है। शादी मेरी भी नहीं हो रही और शादी तेरी भी नहीं हो रही। तो इन्होंने कहा ठीक है। बांकिया बड़ा राजी हुआ कि यार कभी शादी का नाम ही नहीं सुना, कभी सोचा भी नहीं था कोई शादी कहेगा, और यहां तो लड़की कह रही है, लड़की का बाप की पता नहीं, लड़की माने ही ना माने, या तो खुद लड़की कह रही है। फिर से सुने आप लोग, लड़की कौन है? पावरी तारपी काणी बोली करना नड़ तू बाकिया है। या तो समझ में आ गया, कोई समस्या? फिर देखें, पावरी तारपी काणी बोली करना नड़ तू बाकिया है, मतलब बाका है। इन्होंने कहा बोलिए, आगे बोलिए। तो इन्होंने कहा देखो अपन दोनों शादी कर ले, बन जाए राजा रानी। बोला जी बन जाए, बहुत अच्छी बात है,
तो बोल देखिए, अलगोजा बाजार में जा, अलगोजा बाजार में जा, सतारा और मशक के पास जा। यानी बाजार कौन सा है? अलगोजा। किसके पास जा? सतारा और मशक के पास जा। समझ में आ गया? यानी ये हमारे पास में बाजार है और दुकानदार कौन है? सतारा और मशक। कि अलगोजा बाजार में जा, सतारा और मशक के पास, तेरे लिए मोरचंग। किसके लिए? तेरे लिए मोरचंग, मेरे लिए नागफनी ला। याद हो गया? तो ऊपर से फिर देखिए, पावरी तारपी काणी बोली करना नड़ तू बाकिया है, शादी करनी है तो अलगोजा बाजार में सतारा और मशक के पास जा, तेरे लिए मोरचंग मेरे लिए नागफनी ला। समझ में आ गया? यानी वे काणी ने बाकिया को भेज रही है कहां? एक बाजार में, और उस बाजार का नाम क्या है? अलगोजा। दुकानदार कौन है? सतारा और मशक। क्या लाना? तेरे लिए मोरचंग और मेरे लिए नागफनी ला। आप वीडियो को एक बार यहीं रोके और एक बार खुद प्रैक्टिस करें, आगे ना जाएं आप लोग। आप वीडियो को रोक लें और एक बार यहां तक प्रैक्टिस करें, चले ये मान लो याद हो गया होगा आपके यहां तक। चलिए आगे देखिए, आगे क्या होता है? उसने कहा, किसने? लड़के ने। यहां तक आ गई कहानी। हम लोग गांव में कहते हैं, कई बार गांव में झगड़ा हो जाता है और तुम तो आपने देखा होगा, तो कई बार कहती है लो आप लोग मेरा सिंग ले लो, कहते हैं ना, है ना। आप सोच रहे हो सर कैसी बातें कर रहे हैं, इलाज ही नहीं है, याद नहीं होगा। हम कहते हैं ना बोला सिंग ले लो, तो ये कह रहे हैं यहां, तू सिंगा ले ले, सिंग ही ले ले। कौन कह रहा? लड़का कह रहा है, तू मतलब तुरई, सिंगा ले ले, सिंग ही ले ले, तू सिंगा ले ले, सिंग ही ले ले। क्लियर यहां तक? अब देखिए, अब लड़की को लगा अरे ये तो लड़का कैसा बात कर रहा है, तो लड़के ने इससे गाली निकाली। गाली क्या कहा? भूंगल। अब लड़का, लड़की बोल रही है कि भूंगल ऐसी बातें क्यों कर रहा है, तुरई सिंगा ले ले, सिंग ही ले ले। अब लड़की कह रही है भूंगल ऐसी बातें क्यों कर रहा है। तो देखिए, लड़के ने सोचा रे ये लड़की तो जोर से बोल रही है, बड़े दिनों बाद शादी की बात सुनी और लगता है मामला बिगड़ सकता है। लड़के ने बहुत प्यार से कहा, बहुत प्यार से कहा कि लड़ाई क्यों लड़ रही है? कहानी समझे, लड़ाई क्यों लड़ रही है? हम दोस्त गरीब जरूर हैं, हम गरीब जरूर हैं। तो क्या जवाब दे रहा है? देखिए, सुरलिया मतलब सुरनिया है, लेकिन हम क्या बोलेंगे? सुरलिया। सुरलिया आवाज में कहा, रणबेरी मत बजा, रण मानी युद्ध, रणबेरी मत बजा, बेली हम बोलते ना, बेली मानी दोस्त बोलते ना आपके, ऐसे आप लोग जाएंगे गंगानगर हनुमानगढ़ में वहां एक शब्द बहुत चलता है बेली, सर एक बेली आदमी है, तो बेली को हम क्या बोलेंगे? पेली। पेली घर में टोटा है, घर में पैसे की कमी है। फिर सुने, गाली क्या निकाली? भूंगल, लड़का डर गया। सुरनिया आवाज में कह रहा है, रणवीरी क्यों बजा रही है? बेली मतलब पेली, हमारे घर में क्या है? टोटो है, फिर भी मैंने मेरे दोस्त को, क्या कह रहा है? फिर भी मैंने मेरे दोस्त को, किसको? बरगू को। आप फटाफट लिखिए एक बार, वीडियो को मित्रों यहीं रोकिए और आप फटाफट लिखिए एक बार, शाबाश, पॉइंट लिख लीजिए सीधे। चलिए आप लिखते रहना बार बार। वे कह रहे हैं बरगू, मेरा दोस्त कौन? बरगू गया हुआ है, संखी बजेगा, सेनाई बजेगी, मुरली बजेगी, बंसी बजेगी, बांसुरी बजेगी, तुरड़ी हरनाई, तेरी मेरी डोली सजेगी, लेकिन तुमको दारू नहीं मिलेगी। समझ गए ना? हाँ। फिर देखें, यहां से लेके यहां तक मित्रों सबको आते हैं, शंख सेनाई मुरली बंसी और बांसुरी ये तो आपसे आते ही हैं, क्योंकि तो फूंक देने से बजाते हैं, लेकिन हमने याद कैसे किया? कि देख, बेली मेरे घर में टोटा है, फिर भी मेरा दोस्त बरगू गया हुआ है, क्या बजेगी? शंख सेनाई मुरली बंसी बांसुरी बजेगी, तुरड़ी हरनाई, तेरी मेरी डोली सजेगी, चिंता मत कर। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, देखिए
अब आप मेरे साथ शब्दों का उच्चारण करना शुरू कर देना, है ना। आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चे कमेंट में करते हैं, सर आप क्लास में जैसे गीत गा के पढ़ाते हैं वैसे गीत गा के पढ़ाइए, है ना, कला एवं संस्कृति पढ़ाइए। और मैंने कला एवं संस्कृति को बचा के रखा था, अब आपको उसमें से पूरा तो नहीं दूंगा लेकिन कुछ दे दूंगा, ठीक है ना। तो अब आपको जो बच्चे मेरे को नहीं जानते पहले से, उनको पता लग जाएगा कि हाँ सर कौन से गीत की बात कर रहे थे स्टूडेंट और कौन से सब्जेक्ट की बात कर रहे थे। देखिए मेरे साथ उच्चारित करना आप लोग, पावरी तारपी काणी बोली करना नड़े तू बाकिया है, शादी करनी है तो अलगोजा बाजार में सतारा और मशक के पास जा, तेरे लिए मोरचंग मेरे लिए नागफनी ला, तुरई सिंगा ले लो सिंग ले लो, भूंगल सुरली आवाज में कहा रणवेरी क्यों बजा रही है, बेली मेरे घर में टोटा है फिर भी मेरा दोस्त बरबू बाजार गया हुआ है, शंख सहनाई मुरली बंसी बांसुरी बजेगी, तुरड़ी हरनाई तेरी मेरी डोली सजेगी। अरे मित्रों याद हुआ कि नहीं हुआ, अब तो हौसला हो गया होगा ना आपको, हाँ बिल्कुल चिंता ना करें आप लोग, ठीक है ना। देखिए अब हम बात करते हैं मित्रों तत्ववाद्य यंत्र की। देखो ततेरा तत् मतलब हम पहले ही बात कर चुके हैं, वे वाद्य यंत्र जो किससे बने हुए हैं धातु से, उन्हें हम क्या बोलेंगे, सॉरी तार से जो वाद्य यंत्र बने हुए हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं तत्। देखिए आपने दो का नाम सुना होगा, नंबर एक जंतर नंबर दो रावण था, फड़ पेंटिंग हम लोग खूब पढ़ते हैं इसको, दो आप याद कीजिए बाकी अपने आप याद हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, जंतर और रावण था, देखिए मित्रों तार से बनते हैं ना, तो या तो एक तार होगा या दो तार होंगे या चार तार होंगे, यानी एक तार होगा दो तार हो गए या चार तार होंगे, बताइए आपका याद हुआ कि नहीं हुआ, एक तारा दो तारा चौतारा, समझ गए। अब आप एक कहानी समझनी है, एक लड़का है जो लड़का उस तार पे चोट मारता है, चोट को मतलब हम कहते हैं तमाचा, तमाचा से यहां कमायचा बन जाएगा, यानी कमायचा है वह हम क्या बोलेंगे उसको तमाचा, क्लियर। तो एक लड़का है जो इन तारों पर किसी से मारता है, मारता है मतलब तमाचा मारता है, और तमाचा मारेगा तो उसके क्या हो जाएंगे, निशान हो जाएंगे। हम उसको समझाएंगे बेटा तू इस पे मत मार, तेरे जो पापा है, पापा मतलब दू काको, काको मतलब पापा, समझ गए ना, तो तेरा जो काका है, काके जैसे पंजाबी में तो बेटे को कहते हैं लड़के को कहते हैं छोटे को, तो काका यहां नहीं है, कहां गया हुआ है केंद्रा, यानी उस बच्चे को रोकना है जो तारों पे क्या मार रहा है तमाचा मार रहा है। देखिए एक तार से बनेगा दो तार से बनेंगे चार तार से बनेंगे, लड़के का नाम क्या है कमट, कमट कोड़ी से तमाचा मत मार तेरे निशान हो जाएंगे, तेरा दू काको, काको मतलब काका, काका मतलब पापा, तेरा दू काको कहां गया हुआ है केंद्रा। कहानी समझे कि एक तार होगा दो तार होगा चार तार होंगे, हम कह रहे हैं कमट कोड़ी से तमाचा, तमाचा मतलब कमायचा, तमाचा मत मार निशान हो जाएंगे तेरा दू काको तो कहां गया हुआ है केंद्रा, कि तेरे पिताजी हैं घर पे नहीं है कहां गए हुए हैं केंद्रा। फटाफट लिखिए आप एक बार आराम से, यहां तो कोई समस्या, फिर समझ ले, एक तार होगा दो तार होंगे चौतारा होगा, कमट कोड़ी से तमाचा मत मार निशान हो जाएंगे तेरा दू काको केंद्रा गया हुआ है। लड़का जवाब देता है, देखिए अपंग भपंग रवाज और रबाब, अपंग भपंग रवाज और रबाब, रबाब समझ गए, हो सकता है आपको दिखाई नहीं दे रहा ऊपर लिख दूं मैं, रवाज रबाब, क्लियर। देखिए अपंग भपंग रवाज रबाज रबाब, इन चारों को हम कहते हैं कि हमारे ऐसे रीति रिवाज नहीं है, रीति रिवाज की मतलब परंपरा, वे लड़का कह रहा है कि हमारे ऐसे कोई रीति रिवाज नहीं है, मतलब क्या कह रहा है, अपंग भपंग रवाज और रबाब हमारे नहीं है, एक साथ पकड़े चार शब्दों को, अपंग भपंग रवाज और रबाब हमारे
नहीं है। हमने पूछा भाई क्यों नहीं है, तो क्या जवाब दे रहा है देखिए, सारंगी और सुरिंदा तो सुरमंडल है। क्या कह रहा है वे कि सारंगी और सुरिंदा तो क्या है, सुरमंडल है। फिर देखिए आप लोग, सारंगी और सुरिंदा सुरमंडल है। वेणु गुजरी नाम है, वेणु गुजरी का तंबूरा तंदूरा रबा और खमच रबा तंदूरा तमूरा, ये नाम है किसके, वेणु गुजरी के बेटों का नाम है। वेणु गुजरी के बेटों का नाम है, क्या नाम है, तंबूरा तंदूरा रबा और खमच, तो बचपन से ही खेलते आए हैं। क्या कह रहे हैं वे, ये अपंग भपंग रबाज और रबाब हमारे नहीं है। सारंगी और सुरिंदा तो क्या है, सुरमंडल है। सारंगी और सुरिंदा क्या है मित्रों, सुरमंडल है। वेणु गुजरी के चार बेटे तंबूरा तंदूरा रबा और खम्बच तो बचपन से ही खेलते आए हैं। इसलिए आप चिंता मत करो, हमारा दुक्का का केंद्र गया है तो उसे जाने दो, ठीक है ना, हमारे कोई किसी प्रकार निशान नहीं आएंगे, क्योंकि सारंगी और सुरिंदा तो सुरमंडल है ना, और वेणु गुजरी के कौन कौन, तंबूरा तंदूरा रबा और खम्बच तो बचपन से ही खेलते आए हैं। बताइए मित्रों, कोई समस्या, कोई समस्या नहीं है ना। अरे दोस्तों कोई समस्या नहीं है ना, जो बच्चे हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हैं ग्रुप डी की, तो मित्रों आपको पता होगा वहां कलाइम संस्कृति आती है, हर एग्जाम में आपका एक सवाल पक्का है, हर एग्जाम में। चले देखिए, अब हम बात करते हैं औनद, किसकी बात करते हैं, औनद। औनद मतलब वे वाद्यंत्र जो वाद्यंत्र किसी चमड़ी या खाल से बनते हैं। अब देखो आप नाम देखिए, चंगड़ी दफड़ी डफड़ी डफ डफ ढोल ढोलक ढाक डमरू गड़गड़ाटी मटकी घेरा और डेरू। मित्रों ये जो मैंने पहली लाइन का चुनाव किया है, ये पहली लाइन में मैंने टोटल वाद्यंत्र वे लिखे हैं जिनका आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, जिनका आपको नाम से ही पता लग रहा होगा कि सर ये वाद्यंत्र तो कोई चमड़े खाल से बने होते हैं, ढोलक ढोल की डमरू डमरू या गड़गड़ाटी धकड़ी चपड़ी डपड़ी जो भी है, तो ये तो मेरे मित्रों याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है, और एग्जामिनर यहां से आपसे क्यों पूछेगा, क्योंकि स्पष्ट रूप से आपको पता लग रहा है, यहां लग रहा है ना भाई, चंगड़ी बोल के देख लो आप लोग, चंगड़ी दफड़ी डफड़ी ढप डफ ढोल ढोलक ढाक डमरू गड़गड़ाटी मटकी घेरा ढेरा डेरू, ठीक है, तो इन्हें तो आप याद ना करें। अब मैंने क्या किया है, जो एक साइड नाम लिखे हैं इधर, तो इधर वही नाम लिखे हैं जो आपकी जानकारी में नहीं है, या उसे हम आभास करके एग्जाम में नहीं पकड़ पाएंगे कि कौन सा वाद्यंत्र है, क्लियर ना, इन्हें पकड़ा है मैंने यहां। अब इन्हें हम याद कैसे करें, देखो मित्रों चमड़ा होता है खाल होता है, उस खाल को हम पकाएंगे, कहानी सुन लेना, पकाएंगे, पकाने के लिए हमें चूल्हा चाहिए, यानी हमें क्या चाहिए, कुंडी, पकाने क्या बोलेंगे, पखावज, कुंडी में पकाएंगे। अब यहां दो शब्द हैं, एक मर्दन शब्द है और दूसरा मादल शब्द है, मर्दन और मादल आप समझे इसको मिट्टी, कहानी समझ लें, हमें तो मित्रों याद करना है, जैसे सेट बैठे कहानी वैसे सेट बैठानी हमको, तो कुंडी में पकाएंगे, मिट्टी की तरह नहीं, मिट्टी से मतलब मृदंग और मादल, मिट्टी की तरह कुंडी में पकाएंगे, किसकी तरह, मिट्टी की तरह, ताश की तरह नहीं, ताशा की तरह नहीं, कुंडी में पकाएंगे, किसकी तरह पकाएंगे, मिट्टी की तरह, ताशा की तरह नहीं, और गलती कर दी तो नौबत आ सकती है, गलती कर दी तो नौबत आ सकती है, नगाड़ा बज सकते हैं, खंजरी की पड़ सकती है, बम फट सकता है, चंगी बात नहीं लगेगी। अरे कहते हैं ना भाई पंजाब वाले जो बेल्ट होंगे उधर, है ना, तो हम कहते हैं अच्छी बात है, तो वे चंगी बात है, हो सकता है राजस्थानी कल्चर में हम चंगा शब्द समझे ना समझे, चंगा का मतलब अच्छा, तो कह रहे बम फट सकता है, चंगी बात नहीं लगेगी। फिर देखिए, कुंडी में पकाएंगे मतलब पकावच, किसकी तरह, मिट्टी की तरह, किसकी तरह नहीं, ताश की तरह, गलती कर दी तो नौबत आ सकती है, नगाड़ा बज सकते हैं, खंजरी की पड़ सकती है, बम फट सकते हैं, चंगी बात
नहीं लगेगी। मित्रों बैक आते रहना वीडियो पर और बारी बारी से उसको रिपीट करते रहना, याद हो जाएगा, बिल्कुल चिंता ना करें आप लोग। और लास्ट पॉइंट बचा हमारा कौन सा, घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र में आपकी कहानी समझनी है, वे कहानी क्या है आपको यह समझना है कि आवाज, आवाज को हम टंकार बोलेंगे, ताल शब्द, ताल का मतलब कदम। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हालांकि इसका पीडीएफ, ध्यान रखना पीडीएफ जो आपका रायथान है, रायथान जो टेलीग्राम चैनल है उस रायथान पर ही डालूंगा, इसकी पीडीएफ डाल दूंगा, तो रायथान टेलीग्राम चैनल से आप इसे प्राप्त कर ले। जो बच्चे रायथान टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया उन्होंने, वे रायथान टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, क्लियर, और उससे जुड़ जाए आप लोग। अब देखिए घन की हम बात करें तो कहानी समझना है आपको, टंकोरा, टंकोरा मतलब आवाज, ताल मानी कदम, कि भाई अगर कोई धातु पड़ा हुआ है उसमें हमको आवाज निकालनी है, हमको उसमें टंकार निकालनी है, तो हम कदम रखेंगे, कदम का मतलब ताल, ताल से क्या बनेगा कदम, तो हम क्या रखेंगे कदम रखेंगे, और फिर हम किसकी मारेंगे, डंडे की मारेंगे, किसकी मारेंगे मेरे मित्रों, डंडे की मारेंगे, डंडे की मारेंगे तो आवाज निकलेगी। बात करें हम लोग कि डंडे की मारेंगे तो हमारे क्या निकलेगी, आवाज निकलेगी। अब देखो ऊपर से काग मानी कौवा, ऊपर से कौवा आएगा तो कौवे की हम क्या करेंगे, रक्षा करेंगे, समझना, थोड़ा जोर जरूर आएगा, जरूर नहीं कि प्रत्येक लड्डू हमारा सीधा मुंह में आए, थोड़ा सा हमको साइड से भी उस लड्डू को पकड़ के लाना पड़ेगा, समझ गए ना बेटा, जरूरी नहीं है कि हर जगह एक सटीक कहानी बैठे, जहां बैठे वहां बिठा दीजिए, यहां कहानी बैठे वहां बिठा दीजिए, या नहीं बैठे वहां जबरदस्ती बिठा दीजिए, तो यहां थोड़ा सा समझना पड़ेगा। टंकार मतलब आवाज, किससे, ताल से, तो करताल और खड़ताल, किससे, डंडे से, ऊपर आ रहा है काग मानी मरा हुआ कौवा, तो कौवा आ रहा है, हमको क्या करनी है, रक्षा, क्यों करनी है, क्योंकि रमझोल, राम कह रहा है झेल, राम क्या कह रहा है, झेल, तो मतलब रमझोल, कि ऊपर से काग की रक्षा करनी है, राम कह रहा है झेल। अब देखो ऊपर से मरा हुआ कौवा आ रहा है, रक्त निकल रहा है, तो हम घबरा जाएंगे कि सर हम तो नहीं झेलेंगे, तो आप बाहर भागेंगे, क्लास से बाहर भागेंगे, और जो अपना कमरा है उसका जो गेट है, दरवाजा है, उसकी सांकल को खोलेंगे। मित्रों जल्दीबाजी में सांकल नहीं बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, हाकल बोलेंगे, किसको खोली आपने, हाकल को। फिर कहानी समझे, पीछे से टंकार निकलेगी, ताल मतलब करताल और खड़ताल, डंडा गिराएंगे तो टंकार निकलेगी, आवाज निकलेगी, ऊपर से काग आ रहा है, क्या कह रहा है, रक्षा कर, राम कह रहा है झेलो इसको, राम क्या कह रहा है, झेलो, हम नहीं झेलेंगे, बाहर भागेंगे, बाहर भागेंगे, दरवाजा है, उसकी सांकल है, सांकल नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, हाकल बोलेंगे, क्या बोलेंगे मित्रों, हाकल बोलेंगे, तो हमने हाकल बोला। बाहर हमारी माँ खड़ी हुई है, माने चिमटा और थाली की मारी, माने किसकी मारी, चिमटा और थाली की, हमने बोला माँ आपने क्यों मारा है, ऊपर से तो काग की रक्षा करनी है, राम कह रहा है झेल, कमरे से बाहर निकले, साकल बजे, साकल मतलब हाकल, बाहर आए तो आप दुश्मन बनी बैठी हो, आप चिमटा और थाली की मार रही हो, क्यों मार रही हो, माँ कह रही देख बेटा जैसे करनी वैसी ही भरनी, जैसी करनी वैसी ही भरनी, आपने ऐसी ही करनी की होगी इसलिए आपको ऐसी ही भरनी पड़ रही है, तो ही राम पीछे पड़ रहा है। उन्होंने कहा माँ इसका समाधान क्या है, तो माँ ने कहा बेटा संकट का समाधान तो मंदिर है, भगवान है, हो सकता है वैसे हम मंदिर में जाए नहीं जाए, भगवान को माने नहीं माने, लेकिन मित्रों तब संकट आता है तो हम भगवान तरफ भागते हैं, भागते हैं ना, तो माँ कह रही है कि बेटा जैसे करनी वैसी ही भरनी। लड़का मंदिर में पहुंच गया, और दोस्तों मंदिर में तो आप जानते हो झांझ होती है, झालर होता है, घंटा होता है, और वीर घंटा होता है, यानी चारों शब्द याद करने की जरूरत नहीं है, कहानी पकड़ में आ गई। लड़का मंदिर में गया, क्या बजा रहा है, झांझ बजाई, झालर बजाई, घंटा बजाया और वीर घंटा बजाया, थोड़ा सा शकुन मिला, अरे भाई आराम हो गया, अब शायद हमें जो भगवान पीछे पड़ा हुआ है अब शायद मान जाएगा। तो देखो अभी कह रहा है ताली टिकोरी
चीपिया, कह रहा है किसी से कि ताली टिकोरी चीपिया, अब मैं सही हो गया, अब मैं सही हो गया, मुझे कोई डर नहीं है, मैंने भगवान की पूजा कर ली। वैसे तो पता नहीं मैं करता नहीं करता, लेकिन संकट आने पर हर कोई करता है, ठीक है ना। लेकिन पूजा वे है जो आप जानते हो। ताली टिकोरी चीपिया, मैं सही हो गया, अब तसल्ली से मंजीरा और घुंघरू बांध के नाचो, है ना। मैं नाच लेता लेकिन आधा शरीर दिखाई दे रहा है आपको, नाचता हुआ दिखाई दे रहा है ना, ऐसे नाचने। हाँ ठीक है, देखिए, ताली टिकोरी चीपिया, अब मैं सही हो गया, तू तसल्ली से मंजीरा बजा, घुंघरू बांध, आराम से नाच। समझ में आ गया। अब एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं सबको, देखो ये कहानी बताने में इतना टाइम लगा है मित्रों, बाकी तो ये 4 मिनट का टॉपिक है, 4 या 5 मिनट में आप इसको पढ़ लेंगे तो आपका 40-50 सेकंड के अंदर आपके लोक वाद्यंतर आपकी अंगुलियों पर होंगे, लोक वाद्यंतर आपकी अंगुलियों पर होंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखिए, पावरी तारपी कानी बोली करना नड़ तू बाकिया है, शादी करनी है तो अलगो जा बाजार में, सतारा और मशक के पास जा, तेरे लिए मोरचंग मेरे लिए नागफणी ला, तुरई सिंगा ले लो सिंगी ले लो, भूंगल सुरली आवाज में कहा रणबीरी क्यों बजा रही है, बेली हमारे घर में टोटा जरूर है लेकिन मेरा दोस्त बरगू बाजार गया हुआ है, संक सेनाई मुरली बंसी बांसुरी बजेगी, तुरड़ी हरनाई तेरी मेरी डोली सजेगी। जंतर और रावण था तो आप जानते हो, एक तार होगा, दो तारा होगा, चार तार होंगे, कमट कोड़ी से तमाचा मत मार, तेरे निशान हो जाएंगे, तेरा दुकाका केंद्रा गया हुआ है, ये अपंग बपंग रबाब और रवाज हमारे नहीं है, सारंगी सुरिंदा तो सुरमंडल है, वेणो गुजरी के तंबूरा तंदूरा रब्बा और खमचे तो बचपन से खेलते आए हैं, चंगड़ी दफरी डफरी नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि चमड़े से बने हुए हैं, कुंडी में पकाएंगे मिट्टी की तरह ताश की तरह नहीं, गलती कर दी तो नौबत आ सकती है, खंजरी की पड़ सकती है, बम फट सकता है, चंगी बात नहीं लगेगी, घन में आएंगे टंकोरा आवाज निकलेगी, ताल से निकलेगी, ताल से निकलेगी, डंडे से निकलेगी, काग ऊपर से गिरेगा रक्षा करेंगे, अगर नहीं की तो भी गिरेगा तो आवाज निकलेगी, राम कह रहे झेल जल्दी से भागे, हाकल बजाई मम्मी ने चिमटा और थाली की मारी, कहा कि बेटा जैसी करनी वैसी ही भरनी है, मंदिर में भाग जा, मंदिर में गए झांझ झालर घंटा और वीर घंटा बजाया, और कह रहा है अब आराम मिल गया, ताली टिकोरी अपनी घरवाली से कह रहा है, ताली टिकोरी चीपिया तसल्ली से अब मंजीरा और घुंघरू बंधा के नाच, अब मेरे ऊपर कोई पाप का भार नहीं रहा। तो दोस्तों ये आपके वाद्यंत्र वाला कला एवं संस्कृति का एक टॉपिक देने का प्रयास किया है, मैं बीच बीच में देता रहूंगा आपको सभी सब्जेक्टों के टॉपिक, एक अंक आपका पक्का है, डिटेल वाला आप बेशक मत पढ़ना, कोई जरूरत नहीं है, टाइम हो तो जरूर पढ़ लेना, मैं आपसे ये नहीं कहूंगा बिल्कुल मत पढ़ना, लेकिन सवाल यहीं से आएगा। तो मित्रों आप इस वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, हर भाई बहन तक अपना पहुंच इसको पहुंचाने प्रयास करें, वीडियो को लाइक करें मित्रों, कमेंट करके बताएं, कमेंट बॉक्स में अपनी बात रखें, और आपको जो पीडीएफ है वे आपको रायथान जो अपना टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर लें, अपने मित्रों को भी करवाएं और उस पर डाल दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ, तब तक आपको सभी को नमस्कार, जय हिंद साहब।